रहीम, वेलकम करते हैं आपको एनएस हेल्दी टिप्स में। बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन और आलू के कटलेट। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप टी टाइम में इसे बना सकते हैं, लंच में बच्चों को बना के दे सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं लंच में, आप जैसे इसको पसंद करें। टी टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें के जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, इसमें सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, यहाँ पे उसे बॉईल करके इसे इस तरह इसके मैश कर लिया है आलू को बॉईल करके। चिकन लिया है, चिकन में नमक, काली मिर्ची, हल्दी डालकर इसको बॉईल किया और उसके बाद श्रेड करके रख लिया। मसालों में जो हम इस्तेमाल करेंगे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक हसबे जायका, हरा धनिया, अनारदाना और 5 से 6 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। जो पोटैटोज आपने ले लिए हैं, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे और एक इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, अब इसके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम शेप दे लेंगे। आपको जैसी शेप पसंद है वैसे इसको शेप दे लें। आपको शेप कर लिया हमने बैटर को, जो बनाया था शेप रेडी कर लिया। आपकी मर्ज़ी जैसी भी शेप दे दें। शेप देने के बाद आपने अंडे ले लेने, उसमें काली मिर्च और नमक डालना है, उसमें कोट करके फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। जब दोनों तरफ से जो है वो अंडे आपने अच्छे से कोट करना है, अंडे में अच्छे से डिप करके जब आप फ्राई करोगे दोनों तरफ से आपने गोल्डन कर लेना है। इस तरह से फ्राई करके जब गोल्डन हो जाते हैं फिर मैं आपको डिश आउट करती हूं। बहुत ही यमी से हमारे चिकन और पोटैटो के कटलेट रेडी हो गए हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू रेसिपी में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।